कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में कई किसान संगठन केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में संविधान चौक पर महिला सामाजिक समिति एयर आईटेक इनके संयुक्त तत्वावधान में केंद्र सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। तीन कृषि विधेयकों को लेकर पूरे देश के कई हिस्सों में किसानों का आंदोलन जारी है। इसी क्रम में शहर के संविधान चौक में जनवादी महिला समिति और अन्य किसानों की पार्टियों इनके संयुक्त तत्वावधान में कृषि विधेयक को लेकर तीव्र आंदोलन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ तीव्र नाराजगी जताते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। तीन कृषि विधेयक कानून पूरी तरह से उद्योगपति अंबानी अदानी के लिए सरकार ने बनाए हैं, ताकि देश के किसानों का कामकाज पूरी तरह नष्ट हो और उद्योगपतियों के कारोबार अच्छे से चले, इसलिए सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए आईटेक के पदाधिकारियों ने जानकारी दी। साथियों, ये ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद किसानों के सवाल करने के पिटीशन पर बोलते हुए उन्होंने ये बोला कि जो महिलाएं हैं वो क्यों है आंदोलन में, बुजुर्ग क्यों है, उनको भेजा जाए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि खेती के काम में 70% काम महिलाएं करती है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने महिलाओं का अपमान किया। इसलिए हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है या आंदोलन जो दिल्ली में लीड कर रहा है, उसके द्वारा आज 18 तारीख को किसान महिला सम्मान दिवस मनाए। हम क्या देख रहे हैं, हमारे महिलाओं को क्या समझ में आया कि ये अदानी अंबानी का भड़वा बनकर नरेंद्र मोदी उनकी चाकरी करता है। बच्चे के बाल दिवस में जाएगा, उसका हर फंक्शन में जाएगा, मोदी का अपन ये स्वरूप देख रहा। और ये जो तीन किसान विरोधी कायदे लाए हैं ये अदानी अंबानी के लिए आया है और इसलिए वह नरेंद्र मोदी जो बाइला बन गया है अदानी अंबानी का, उसको चुड़िया पहनाई गई, साड़ी पहन के मोदी का स्वरूप और उसको चुड़िया पहनाई गई और इस तरह आज महिला किसान सम्मान दिवस के अवसर पर उसको ये साड़ी जोड़ी जो है हम भेजने वाले हैं डायरेक्ट उसके पीओ में कार्यालय में और उसको बोलेंगे भैया साड़ी पहन, पंतप्रधान बनने की तेरी लायक ही नहीं, उस पद पर तरीके रहने की लायक ही नहीं। मैं यहाँ किसान कांग्रेस की तरफ से आई हूँ और जैसे जिस तरह ये होता है कि कोई पद पे जब औरत जाती है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो सिर्फ रबर स्टैम्प है और उसका आदमी कारोबार चला रहा है, उस तरह हम ये बताना चाहते हैं मोदी जी को कि आप तो रबर स्टैंप हो अदानी और अंबानी के, यही दिखाने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। आज देश के किसानों की काफी लचर हालत हुई है, ऐसे में किसानों का कोई वाली नहीं है। अगर देश का किसान यूं ही तिल तिल मरता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश के लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। यदि उद्योगपतियों से मिल भी जाए तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में लेना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।